हाय दोस्तों, मैं हूँ आदि और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी। भगवान की योजना। गरीबी और दुख से परेशान होकर एक आदमी मंदिर जाता है। मंदिर जाने पर उसे भगवान के दर्शन होते हैं। आदमी भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। भगवान, आप? भगवान, ये आपने कैसी जिंदगी दी है? जीवन में कोई गरीब तो कोई दुखी है, आपका जीवन तो कितना अच्छा है। भगवान ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये तुम्हें लगता है, लेकिन भगवान का जीवन कुछ आसान नहीं है। आसान नहीं है? आपके पास तो बहुत ताकत है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। मेरे कार्यों को तुम नहीं समझोगे। भगवान, अगर मैं आपकी जगह होता तो सबको सुखी कर देता, सबके पास पैसा और खुशी होती। ठीक है, चलो बना दिया एक दिन के लिए तुम्हें भगवान, लेकिन सुनो, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त प्रभु? देखो, कोई आकर कुछ भी करे या कुछ भी बोले, उसके साथ न्याय हो रहा हो या अन्याय, तुम्हें बस देखते रहना है, ना ही कुछ बोलना है और ना ही कुछ करना है, बिल्कुल चुप रहना है। अरे, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान अपनी जिम्मेदारी उसे सौंप कर चले जाते हैं। सब अच्छा चल रहा था, तभी एक अमीर व्यक्ति मंदिर आता है। भगवान, मैंने नया कारोबार शुरू किया है, रोज की तरह अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, ताकि मुझे खूब पैसा मिले। तभी उस अमीर व्यक्ति का पैसों से भरा हुआ बटुआ नीचे गिर जाता है। भगवान बने हुए आदमी को बहुत इच्छा होती है कि वो अमीर व्यक्ति को आवाज देकर उसे कहे कि तुम्हारा बटुआ गिर गया है, उसे उठा लो। पर फिर उसे भगवान की दी हुई शर्त याद आ जाती है और वह चुप रह जाता है। फिर एक गरीब आदमी मंदिर आता है। हे भगवान, मेरी माँ बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तभी वह पैसों से भरा हुआ बटुआ देखता है और उसे उठा लेता है। भगवान, आप कितने दयालु हो, अब इन पैसों से मैं अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। यह देखकर वह भगवान बना हुआ आदमी सोचता है कि इसे लगता है कि भगवान ने इसकी प्रार्थना सुन ली, पर इस मूर्ख को नहीं पता कि यह चोरी है और यह पाप है। गरीब आदमी बटुआ लेकर चला जाता है। तभी वहां एक नाविक आता है। भगवान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने काम से बाहर जाने वाला हूँ, मेरी रक्षा करना, ताकि मैं अपने परिवार के साथ वापस आ सकूं। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी अमीर आदमी अपने बटुए की खोज में वहां पुलिस लेकर आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, मेरे पैसे यहां नहीं है, ये नाविक ने ही मेरे पैसे चुराए हैं। अपनी आंखों के सामने होता हुआ अन्याय देखकर भगवान बना हुआ आदमी सह न सका और शर्त भूलकर वह मूर्ति का रूप छोड़कर जीवित हो जाता है और पुलिस के सामने गरीब आदमी को दोषी ठहरा देता है और पुलिस नाविक को छोड़कर उस गरीब आदमी को पकड़ ले जाती है। कुछ देर बाद भगवान वापस आते हैं। प्रभु, देखा, आज मैंने अन्याय होने से कैसे बचाया। अरे मूर्ख, तूने कोई अन्याय होने से नहीं बचाया, तूने तो बीच में आकर ज्यादा नुकसान कर दिया। क्या नुकसान? और मैंने क्या किया? प्रभु, मैंने तो न्याय किया है। तो सुन, वो अमीर व्यक्ति भ्रष्ट था, उसने अपने जीवन में काफी पाप किए थे, उसके पैसे किसी गरीब के काम आते तो उसके पाप कम हो जाते और उस गरीब की मां भी बच जाती, और वो नाविक जिस समुद्र में जाने वाला था, उस समुद्र में एक तूफान आने वाला था,
अगर पुलिस उसे पकड़कर चली जाती तो वह तूफान से बच जाता और उसकी जान बच जाती। तब जाकर उस आदमी को समझ आता है कि हर चीज उचित समय आने पर ही होती है और जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, भगवान उसमें कुछ नहीं करते। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।